बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक नई जॉब की इंफॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की जॉब जो है ये टेक्निकल स्टाफ के लिए है। टेक्निकल लोग जो अच्छी जॉब करने के ख्वाहिशमंद हैं, बहुत अच्छी पोस्टें हैं, आप इनको लाजमी अप्लाई कीजिएगा। गूगल में लिख कर सर्च करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन पर क्लिक करें ताकि आपको मिलती रहे मालूमात सबसे पहले। PTS पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस, राइट क्लिक करके ओपन करें। All projects, और यहाँ पे आपने सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की जो है वो जॉब्स देखी हैं, तो इसकी लास्ट डेट जो है वो 30 जुलाई 2018 है। तो इससे हम जॉब को व्यू करते हैं, और यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट और एप्लीकेशन चलान फॉर्म है, तो हम पहले एडवर्टाइजमेंट को देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपको जो है कि सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की जानिब से जो है वो जॉब्स ऑफर हो रही हैं, और बहुत अच्छी जॉब्स हैं। डिप्टी मैनेजर टेक्निकल की जॉब है, बैचलर डिग्री वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं, 5 साल का एक्सपीरियंस है, और उसके बाद आपका जो है वो एज लिमिट जो है वो 40 ईयर्स होनी चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल के लिए बैचलर डिग्री और जो है कि आपका एक्सपीरियंस जो है वो 2 ईयर्स होना चाहिए और एज लिमिट 35 ईयर। MTO के लिए जो है वो फ्रेश ग्रेजुएट्स इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वगैरह वाले अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद एज लिमिट जो है वो 25 ईयर है, लास्ट डेट जो है वो 31 जुलाई 2018 है। और इसके बाद ये जो है कि MTO इंटरनल ऑडिट के लिए जॉब है, CA इंटरनल, ACCA और ACMA MBA वाले अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब को, और आपको जो है कि एज लिमिट जो है वो 25 साल होनी चाहिए और 31 जुलाई 2018 इसकी लास्ट डेट है। अप्लाई करने का तरीकाकार हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आए तो एप्लीकेशन एंड चलान फॉर्म पे है, तो आप राइट क्लिक करके ओपन करें। राइट क्लिक करके ओपन करें, ये एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो गया है। इसमें आपको जो है कि यहाँ पे आपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है, फुल नेम कैपिटल में लिखना है, फादर नेम कैपिटल में, और मेल फीमेल पे आप अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपने देनी है, NIC नंबर देना है, अपना मोबाइल नंबर वगैरह ऐड करें, और उसके बाद जो अपना ईमेल एड्रेस दें, और उसके बाद परमानेंट एड्रेस, डोमिसाइल वगैरह, और डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट अपना बताएं। उसके बाद मुस्लिम नॉन मुस्लिम पे आप टिक करें, और जो है कि डिसेबिलिटी वगैरह अगर खुदा न खास्ता कोई है तो आप अप्लाई कर बता सकते हैं। उसके बाद आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या प्राइवेट हैं, या आप अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो यस करें, और प्राइवेट सर्विस भी है तो यस करें। अगर आपके पास कोई सर्विस नहीं, आप जॉबलेस हैं, तो वो भी आप यस और नो कर सकते हैं। और उसके बाद पोस्ट सिलेक्शन के लिए आपने यहाँ पे 4 पोस्टें हैं, तो इनमें से जिसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं उस पर टिक करें। उसके बाद जो है कि यहाँ पे आप अपना बताएं कि आप ओपन मेरिट पे अप्लाई करना चाह रहे हैं या, और फिर डिजायर सेंटर जो है वो इस्लामाबाद है, एक ही ऑप्शन है आपके पास। और इसकी एज लिमिट आपने बतानी है कि आपकी एज लिमिट क्या है, और आपका जो है कि वो प्रेजेंट स्टेटस क्या है, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, या मतलब है कि जो भी ऑप्शन आपका है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन डालें, उसके बाद अपने सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्रीज वगैरह, कंप्यूटर स्किल वगैरह की इन्फॉर्मेशन दें, जॉब्स की हिस्ट्री बताएं, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस बताएं। उसके बाद चेकलिस्ट करें, अगर आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपकी एप्लीकेशन के साथ लगे हुए हैं तो यस करें। और उसके बाद यहाँ पे अंडरटेकिंग डालें, नाम डालें, फादर हस्बैंड वाइफ का नाम डालें, और फोटो वगैरह चिपका करें, थंब इंप्रेशन और डेट लिखें, कैंडिडेट अपने सिग्नेचर करें, और जो है कि यहाँ पे आपको एक चलान फॉर्म मिल रहा है 195 का, 195 रुपये का चलान फॉर्म है, वो आपने HBL में, हबीब UBL में, किसी भी ब्रांच में आप जमा करवा सकते हैं, और अपनी एप्लीकेशन जो है कि आपने 31 जुलाई 2018 से पहले इस जगह पे, इस एड्रेस पे सेंड करनी है। अगर आपको हमारी पोस्ट अच्छी लगी हो, हमारी एफर्ट अच्छी लगी हो, तो हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे पोस्टों को शेयर किया करें। हो सकता है कि आपके जस्ट एक शेयर से किसी का फायदा हो जाए, किसी का भला हो जाए, किसी को जॉब लग जाए, तो यह एक अच्छा अमल है।